अब प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था यूनिट वन के लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज, अब हम देख रहे हैं यूनिट टू एंड थ्री के लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। तो इसमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करने के लिए थ्री मेथड्स हैं, ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन्स वन थर्ड रूल एंड सिम्पसन्स थ्री बाय एट रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या होता है, एन की कोई भी वैल्यू हो उसके लिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिम्पसन्स रूल्स के लिए क्या होगा, एन की वैल्यू मल्टीपल ऑफ टूज है, जैसे टू है, फोर है, सिक्स है, इस टाइप की वैल्यूज हैं, तो हम सिम्पसन्स वन बाय थर्ड रूल यूज करेंगे। और अगर एन की वैल्यू मल्टीपल ऑफ थ्री है, जैसे थ्री सिक्स नाइन, तो हम सिम्पसन्स थ्री बाय एट रूल यूज करेंगे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम देखते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल या इन तीनों मेथड्स में आपको गिवन क्या होगा, एक इंटीग्रेशन आपको निकालना होगा फ्रॉम लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और h की वैल्यू क्या होगी, b माइनस ए बाय एन। वैल्यू ऑफ n और h इज गिवन, या तो n की वैल्यू या h की वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले x0 किसके इक्वल होता है, a के, और x1 क्या होगा, a प्लस h। यहां पर जैसे आपको n की वैल्यू गिवन है तो आप h की वैल्यू निकाल लेना है इस फॉर्मूले से। तो x0 क्या हो जाएगा, a, और x1 क्या हो जाएगा, a प्लस h, x2 क्या हो जाएगा, a प्लस 2h, xn क्या हो जाएगा, a प्लस nh, जो कि किसके इक्वल होगा, b के इक्वल। तो जो आपको लिमिट दी हुई है वही वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी xn की। तो इस टाइप से हम इसमें x0 की फाइंड कर लेंगे वैल्यूज, इस तरह से हम x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। फिर इन x की वैल्यूज हम fx फंक्शन जो गिवन है उसमें सब्सिट्यूट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे fx में हम x0 की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो हमें y0 मिल जाएगा, x1 की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो y1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम y0 y1 y2 अप टू yn वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे h बाय 2 y0 प्लस yn, जो फर्स्ट वैल्यू आएगी y की और जो लास्ट वैल्यू आएगी उन दोनों को आपस में एड करना है, बाकी जितनी भी रिमेनिंग वैल्यूज हैं उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू y1 प्लस y2 अप टू yn माइनस 1, और ये h बाय 2 याद रखना है, इसमें सिर्फ इसमें h बाय 2 है, बाकी में तो 1/3 है, तो h बाय 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ 3/8 है तो इसमें 3h/8 आएगा फॉर्मूले में। यहाँ आपको याद रखना है h बाय 2 आएगा और बाकी वैल्यूज फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज को छोड़ के बाकी वैल्यूज 2 से मल्टीप्लाई होंगी। हर फॉर्मूले में, चाहे सिम्पसन्स वन थर्ड हो, चाहे ट्रेपेजॉइडल हो, चाहे सिम्पसन्स 3/8 रूल हो, सभी में y0 प्लस yn होना है सभी फॉर्मूलेज में। और यहाँ पर h बाय 2 आएगा, सिम्पसन्स 1/3 रूल में h बाय 3 आएगा, सिम्पसन्स 3/8 में क्या आएगा, 3/8 इंटू h, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये फॉर्मूला हमें याद ही हो गया कि h बाय 2 आएगा, y0 प्लस yn फर्स्ट और लास्ट टर्म होगा, और बाकी टर्म्स का एडिशन करके 2 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। सिम्पसन्स 1/3 रूल में हम क्या करते हैं, ये बेटर अप्रोक्सीमेशन वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इट इज यूज व्हेन एन इज मल्टीपल ऑफ 2। तो ये कब यूज करते हैं, जब एन क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 2 होता है, जैसे एन की वैल्यू 2 गिवन हो या 4 हो या 6 8 इस टाइप से 2 के मल्टीपल्स में हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच बाय 3 इंटू y0 प्लस yn, ये y0 प्लस yn सभी में आएगा, यहाँ h बाय 2 था, यहाँ h बाय 3 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू ऑड टर्म्स ऑफ y, यानी y1 y3 y5 y7 y9 इस टाइप से। और 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन से टर्म्स जाएंगे, जो इवन होंगे, y2 y4 y6, ठीक है। तो याद कैसे रखना है, 4 के साथ ऑड टर्म्स और 2 के साथ इवन टर्म्स आएंगे। तो ये है सिम्पसन्स 1/3 रूल का फॉर्मूला। नेक्स्ट इज सिम्पसन्स 3/8 रूल, और ये कब यूज होता है, जब एन की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 3 हो। तो यहाँ पर फॉर्मूले में 3h/8 आएगा, क्योंकि 3/8 रूल है, तो 3h/8 y0 प्लस yn तो सभी में ही आना है। फिर यहाँ पर क्या होता है, 2 के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन होता है, सम ऑफ 3 के मल्टीपल्स वाले जो y के टर्म होंगे उनका सम करके हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर y 3 के मल्टीपल्स वाले कौन से होंगे, y3 y6 y9 y12 y15, तो वैसे जो 3 के मल्टीपल्स में y की वैल्यू होंगी वो यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगी, और जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं इनको छोड़ के, जैसे y1 y2 y4
y7, y8 वो यहाँ पर आ जाएंगी 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में। तो 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन सी वैल्यूज आएंगी y की, जो 3 के मल्टीपल्स में होंगी, और इनके अलावा जो भी वैल्यूज बचेंगी वो किस में जाएंगी, 3 के साथ मल्टीप्लाई होंगी।